एक बड़ी खबर आ रही है अखिलेश यादव से मिलने। भारतीय समाज पार्टी सुहेलदेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहुंचे मिलने। एक बड़ी खबर आ रही है अखिलेश यादव से ओम प्रकाश राजभर मिले। तीनों में करीब आधे घंटे तक बातचीत चली। आगे माना जा रहा है कि हो सकता है कि यह मुलाकात आगामी विधानसभा के चुनाव के लिए हो, लेकिन क्या वार्ता हुई यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। आज की मुलाकात अचानक हुई है। मीडिया सूत्रों से खबर निकल कर आ रही है कि यह मुलाकात सहज नहीं है, यह मुलाकात आगामी चुनाव के लिए हो रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव के बाद नाराज हुए ओम प्रकाश राजभर अब पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर अखिलेश यादव भी पिछड़े समाज की बात करते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि दोनों नेता अब एक साथ आएं और एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। अगर ऐसा हुआ तो आगामी विधानसभा चुनाव बड़ा ही रोचक होने वाला है। आगे इंतजार साक के मोर सैनी कुशवाहा नेताओं का है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही साक के मोर कुशवाहा सैनी समाज के नेता एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि बाबू सिंह कुशवाहा, जो कभी मायावती की पार्टी के नेता हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जन अधिकार पार्टी, वह एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है, वो वक्त ही बताएगा। हाँ, अगर ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, बाबू सिंह कुशवाहा साथ आए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो जलजला आएगा जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समय आया। खैर, आगे क्या होगा वक्त ही बताएगा। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए दस्तक 24 के साथ। नमस्कार। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।